मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी 62 साल के हो गए हैं। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। हमेशा सोने से लदे रहने वाले बप्पी दा दिखने में औरों से जितने अलग हैं, उनका म्यूजिक भी उतना अलग है। बप्पी दा से ज्यादा सोना उनकी बीवी के पास है। बप्पी लाहिड़ी 70 के दशक में बॉलीवुड में आए और 80 के दशक तक छाए रहे। 90 का दशक उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वे काम करते रहे। बप्पी ने 2011 में रिलीज डर्टी पिक्चर में उलाला उलाला गाया था, जो कि बेहद सुपरहिट हुआ। इसके अलावा उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, जो कि वे हार गए, लेकिन संगीतकार और गायक के तौर पर उनका क्रेज आज भी बरकरार है। आइए जानते हैं बप्पी लाहिड़ी के बारे में कुछ खास बातें। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी 62 साल के हो गए हैं। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। हमेशा सोने से लदे रहने वाले बप्पी दा दिखने में औरों से जितने अलग हैं, उनका म्यूजिक भी उतना अलग है। बप्पी दा से ज्यादा सोना उनकी बीवी के पास है। बप्पी लाहिड़ी 70 के दशक में बॉलीवुड में आए और 80 के दशक तक छाए रहे। 90 का दशक उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वे काम करते रहे। बप्पी ने 2011 में रिलीज डर्टी पिक्चर में उलाला उलाला गाया था, जो कि बेहद सुपरहिट हुआ। इसके अलावा उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, जो कि वे हार गए, लेकिन संगीतकार और गायक के तौर पर उनका क्रेज आज भी बरकरार है। आइए जानते हैं बप्पी लाहिड़ी के बारे में कुछ खास बातें। बप्पी ने 19 साल की उम्र में कोलकाता छोड़ दिया था। उन्हें पहली बार नन्हा शिकारी में संगीत देने का मौका मिला था। वो साल 1973 था। बप्पी दा को पहचान 1975 में मिली, जब उन्होंने फिल्म जख्मी में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ गीत गाया था। किशोर कुमार बप्पी लाहिड़ी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने उन्हें संगीत सिखाने के साथ ही बॉलीवुड में पैर जमाने में भी मदद की थी। बप्पी दा ने जस्टिस फॉर विडोज नाम के स्वयंसेवी संगठन के जरिए सराहनीय कार्य किया। इसके लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड सम्मान से नवाजा गया। बप्पी दा ने जितने भी गाने संगीतबद्ध किए, उनमें ज्यादातर किशोर कुमार और विजय बेनेडिक्ट ने गाए। बप्पी दा उषा उथप और अलीशा चिनोय की आवाज को भी बेहद पसंद करते थे। फिल्म म्यूजिक में पॉप का मिक्सचर करने का श्रेय बप्पी दा को ही जाता है। उनके इस प्रयोग ने बॉलीवुड की दिशा बदल कर रख दी। हालांकि इसका संगीतकार और गायकों की बिरादरी में काफी विरोध भी हुआ। बप्पी दा एक दिन में सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान भी बना चुके हैं। बप्पी लाहिड़ी इकलौते संगीतकार हैं, जिन्हें किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने मुंबई में आयोजित अपने पहले शो में बुलाया था। यह लाइव शो 1996 में आयोजित किया गया था।